ICMR की मदद से और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नॉमिनेट किए हुए कुछ नर्सिंग होम और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मेडिकल कॉलेजेस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बुला के अभी हमने कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला का जो थीम था ये था कि हम हमारे प्रदेश में माइक्रोबायोलॉजी की डायग्नोसिस के स्तर को और ज़्यादा हम अच्छा बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ हम बैक्टीरिया का डायग्नोसिस और हम फंगस के डायग्नोसिस के बारे में हमने उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया। जैसे आपको मालूम है कि एम्स भोपाल रिसर्च ट्रेनिंग टीचिंग एक्टिविटी में हमेशा से तत्पर रहता है, तो ये जो आज का कार्यशाला का प्रावधान था ये हम प्रदेश के 16 अलग अलग सेंटर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बुला के उनको हमने कल और आज 30 और 31 जनवरी को ट्रेनिंग दिया। इसका मकसद है कि जो हमारे सीरियस बैक्टीरियल और फंगस का जो डिजीज है जो कि अलग जगह पे डायग्नोसिस नहीं हो पाते हैं, जो आज तक हम खाली एम्स भोपाल में ही कर पाते थे, उनको हम ग्रेजुअली छोटे छोटे हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करने की कोशिश करा रहे हैं ताकि हमारे आम जनता को इसकी फायदा हो। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रजनीश जोशी और माइक्रोबायोलॉजी के हेड डॉक्टर देवाशीष विश्वास की तरफ से हमारे पार्टिसिपेंट को यही आह्वान किया गया है कि हम अपने प्रदेश और देश के लिए सदा तत्पर रहें ताकि आम जनता को, ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए।